ओके गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं आपके लिए एक और शानदार सा मॉडर्न हाउस एज वेल एज एक्सपेंसिव। बाकी जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज लाइक कर देना। बाकी चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि गाइस हम लोग 300 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज है, तो वो भी कंप्लीट करा दो। बाकी लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके तो गाइस, अपने एक और मॉडर्न हाउस को बनाना करते हैं स्टार्ट। उसके लिए हमें पहले जरूरत पड़ने वाली है ग्रे कॉन्क्रीट की। मैंने सोचा कि शुरुआत ही डोर फ्रेम से करते हैं। एंड अभी के लिए हमें क्या करना है, लाइक 1, 2, 3 ब्लॉक यहाँ पर प्लेस करने हैं। 1, 2 दो ब्लॉक हमें यहाँ से आगे आ जाना है। एंड हमें इसको यहाँ से कर देना कनेक्ट। एंड हमें यहाँ पर एक डोर जो है प्लेस कर देना कुछ ऐसे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है, तो हमें एक डोर को प्लेस कर देना है ऐसे। ये हो जाने के बाद हमें इसके आगे कुछ 4 व्हाइट कॉन्क्रीट्स को प्लेस कर देना है जस्ट लाइक दैट। एंड इसको यहाँ पर प्लेस करने के बाद हमें इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको कनेक्ट कर देना है कुछ ऐसे। एंड अभी परफेक्ट डोर फ्रेम लग रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर से व्हाइट कॉन्क्रीट की लेयर के ऊपर से हमें 1, 2, 3, 4 ब्लॉक ऊपर आ जाना कूल। एंड उसके बाद हमें उसकी लाइन होने वाली है, इस लाइन को आगे तक एक्सपेंड कर देना कुछ ऐसे। ओके सो अब हमें निकाल लेना व्हाइट कॉन्क्रीट। एंड यहाँ से एक ब्लॉक ऊपर हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ब्लॉक यहाँ पर प्लेस कर देने हैं। एंड हमें इसकी जो वॉल है हमारी अंटिल ये वाले ब्लॉक की हाइट तक ले आनी कुछ ऐसे। एंड यहाँ पर आने के बाद हमें 2 ब्लॉक और एक्सपेंड कर देने हैं। एंड हमें इसकी लेयर को आगे तक ले आना है लेस देन 1 ब्लॉक, मीन्स हमें जो ये ब्लॉक है इसके एक ब्लॉक पीछे से इस लेयर को एंड कर देना है। एंड ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, आ जाना इसकी बैक साइड पर, बैक साइड भी होगी, अंदर कह सकते हैं बैक साइड कह सकते हैं। एंड ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लेस करनी है हमें कॉन्क्रीट की लेयर। एंड सेमली यहाँ पर भी कॉन्क्रीट की लेयर। एंड देन हमें इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, प्लेस कर देने हैं कुछ ग्लास पेंस। एंड डन। एंड ग्लास पेंस प्लेस हो जाने के बाद अब हमें निकाल लेना है दोबारा से कॉन्क्रीट। एंड जो इसकी ऊपर की लेयर है, इसकी एक लेयर ऊपर को जो है हमें उसको ब्रेक कर देना है। एंड उसके बाद हमें नीचे से हमें कुछ कॉन्क्रीट की लेयर ऊपर तक ले आनी है। एंड उसको हमें आपका ला कर कनेक्ट कर देना है ऑल ऑफ देयर। एंड ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, निकाल लेना है ओक प्लैंक्स। एंड ओक प्लैंक्स निकालने के बाद हमें ओक प्लैंक्स की लेयर को कुछ इतना ऊपर ले आना है। एंड उसके बाद हमें इस ओक प्लैंक की लेयर को कुछ इतना ऊपर ले आना है, सीम जस्ट लाइक दैट। एंड उसके एक ब्लॉक और ऊपर आ जाते हैं। एंड ये हो जाने के बाद अपना घर कुछ ऐसा लग रहा है। बेसिकली मैं काफ़ी सोच ही रहा था कि इसके ऊपर मैंने एक लेयर मोर देन ऐड कर दिया, सो इसको तोड़ देते हैं, दोबारा से यहाँ पर एक ब्लॉक ऐड कर देते हैं। एंड डन। सो ये हो जाने के बाद हमें इसको यहाँ से कर देना कनेक्ट कुछ ऐसे। एंड हमें इसके अंदर फिल कर देने हैं ग्लास पेंस। अबे ये क्या टूटा कैसे, तो उसको तोड़ देते पहले। एंड दोबारा से इसके अंदर हमें प्लैंक्स प्लेस कर देने हैं। एंड यहाँ पर यह हमें प्लेस कर देना कुछ ग्लास पेंस। एंड डन। अबे यार नाउ नाउ लग रहा। ओके सो अब हमें निकालना दोबारा से प्लैंक्स। एंड प्लैंक्स को हमें कुछ इतना आगे तक ले आना है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, निकाल लेना दोबारा से कॉन्क्रीट। एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्लॉक यहाँ पर प्लेस कर देना है। एंड उसके बाद हमें इस साइड को प्रॉपरली कर देना है फिल। ओके सो ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमें यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़ के कुछ 9 ब्लॉक ऐड कर देने हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9 सो 9 ब्लॉक यहाँ पर ऐड हो जाने के बाद हमें क्या करना है, इसके आगे हमें यहाँ से एक कंक्रीट की लेयर ला देनी है होल द वे, जितना अपने घर के इस आगे वाले स्ट्रक्चर की हाइट है इतनी हाइट हमें अपने एक पिलर की भी कर देनी है। सो कुछ इतनी पहले मैं इसको देख लेता हूँ यार। सो यहाँ पर ये इतनी है, अगर मैं यहाँ से पीछे जाऊँगा तो हाँ परफेक्ट इतनी है भाई, यही है मेरा कैलकुलेशन का तरीका। एंड उसके बाद हमें यहाँ से कुछ 1, 2, 3, 4 ब्लॉक और आगे आ जाना है। एंड ये आगे आ जाने के बाद एक ब्लॉक और आगे आ जाना है। एंड आगे आ जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लेस कर देनी है हमें कॉन्क्रीट की लेयर्स। एंड उसके बाद हमें यहाँ से 1, 2, 3, 4 ब्लॉक प्लेस कर देना है। एंड 1, 2, 3, 4 ब्लॉक राइट हियर। एंड ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लेस कर देना कॉन्क्रीट। एंड उसके बाद हमें इसके अंदर प्लेस कर देने हैं कुछ, अबे यार इसके अंदर हमें प्लेस कर देना कुछ ग्लास पेंट्स जस्ट लाइक दैट। एंड ये आगे से कुछ ऐसे लग रहा है। एंड उसके बाद हमें यहाँ से लेके आनी है अपने कुछ व्हाइट कॉन्क्रीट की लेयर। एंड 1, 2, 3, 4 एंड उसके बाद हमें इसको कुछ प्रॉपरली इतनी हाइट का ले जाना है। एंड ये हो जाने के बाद
इसके दो ब्लॉक और ऊपर आ जाना है। उसके बाद स्ट्रक्चर को हमें कुछ आगे तक ले आना है। एंड ये हो जाने के बाद हमें यहाँ से कुछ ओक प्लैंक्स को प्लेस करना स्टार्ट कर देना है। इट सीम्स जस्ट लाइक दैट एंड राइट हियर। सो हमें इसको यहाँ से भी और कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देना है राइट हियर। एंड ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ से पहले इसकी लेयर को हमें तोड़ देना है, यहीं से रखना है। एंड उसके बाद इसकी लेयर को कुछ इतना आगे ले आना है। एंड ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमें यहाँ से कुछ दो ब्लॉक प्लेस कर देने हैं। एंड यहाँ पर हमें प्लेस कर देना है कुछ ग्लास पेंस। डन। ओके सो अभी हमें निकालना दोबारा से व्हाइट कॉन्क्रीट। एंड इवेंचुअली हमें इस जगह को यहाँ से हमें कर देना करना है कुछ ऐसे। एंड सेमली इस वाली जगह को हमें यहाँ से भी कर देना है कनेक्ट जस्ट लाइक दैट। एंड ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमें यहाँ से भी इस पॉइंट को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देना है। पहले इस ब्लॉक को मैंने तोड़ा क्यों आई डोंट नो। एंड उसके बाद हमें दोबारा से इट साइड्स को कर देना कनेक्ट कुछ ऐसे। एंड ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमें निकाल लेना कुछ ग्रे कॉन्क्रीट। एंड ग्रे कॉन्क्रीट को हमें यहाँ पर प्रेस कर देना है। यहाँ पर प्रेस हो जाने के बाद हमें इसके ऊपर दो लेयर और ऐड कर देनी है। ओके सो ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमें यहाँ पर 1, 2, 3 ब्लॉक ऐड कर देना है। एंड सेमली हमें यहाँ पर और ब्लॉक्स को ऐड कर देना है कुछ ऐसे। एंड ये इतना हो जाने के बाद हमें इसकी रूफ को भी कवर कर देना है। ओके सो अभी हमें आ जाना है अपने घर की बैक साइड पर। मीन्स अभी मैं कौन सी साइड पर, हाँ सो मैं अपने घर की कुछ ऐसे बैक साइड पर आ जाना है। एंड नाउ हमें यहाँ पर कुछ 3 ओक के प्लैंक्स और ऐड कर देने हैं। एंड सेमली हमें यहाँ पर वही सेम प्रोसेसर कर देना है जो मैं इसके आगे कर रखा है कुछ ऐसे। एंड हमें यहाँ पर भी ओक के प्लैंक्स को ऐड कर देना है। एंड नीचे से ही इनको ऐड करते हुए हमें ऊपर तक ले आना है। एंड ये हो जाने के बाद हमें ऊपर से ब्लॉक कनेक्ट करना है एंड नीचे से। एंड हमें यहाँ पर ग्लास प्लैंक्स को प्लेस कर देना है। एंड ये हो जाने के बाद जो ये प्रॉपरली जो लाइन होने वाली है, इस लाइन को तो हमें कॉन्क्रीट की हेल्प से ही कर देना फिल। ओके सो ये जो दीवार है प्रॉपरली डन हो जाने के बाद हमें क्या करना है, अपने घर के आ जाना है अंदर। अंदर आ जाने के बाद हमें अपना फर्स्ट फ्लोर की जो फ्लोर है उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है कुछ यहाँ से। एंड हमें उसको प्रॉपरली यहाँ तक जो है उसको बिल्ड कर देना है। एंड मैं कैसे ब्लॉक ला रहा हूँ आई डोंट नो, उसको तोड़ते कितने ले आया मैं। ओके सो इतने ही आगे आए हैं। एंड हमें इनको कर देना है फिल। ओके सो ये भी जो हमारा वर्क है ये भी कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ अभी के लिए पहले तो मेरे को ऐसे नीचे जाना है एंड उसको दोबारा से कर देना फिर। ओके सो नाउ हमें अपने घर की जो है फ्लोरिंग ऐड कर देनी है। फ्लोरिंग में हमें यहाँ पर को ग्रास ब्लॉक को तोड़ना है एंड इनकी जगह हमें रिप्लेस कर देने हैं वाइट कॉन्क्रीट। ओके सो ये एरिया कंप्लीट हो जाने के बाद हमें अपने घर के मतलब चारों तरफ प्लेस कर देने लैंटर्न्स थोड़ी बहुत रोशनी के लिए यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमें चले जाना है अपने घर के टॉप पर। एंड जो हमें ये जो लाइन छोड़ी थी इस लाइन को भी हमें कॉन्क्रीट की मदद से ही कर देना है यहाँ तक फिल। एंड यस ये साइड कंप्लीट हो चुकी है। एंड नाउ तो ये हमारी साइड है, इस साइड पर हमें कुछ एजेलिया लीव्स जो है प्लेस कर देना है कुछ डिज़ाइन में लाइक ऐसे। एंड ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर निकाल लेनी है सिंपल लीव्स जो कि ओक की हो सकती है या फिर कोई भी फ्लावर ट्री की हो सकती है। सो मैं पहले ओक की निकालने वाला हूँ यहाँ से। एंड यहाँ पर मैं कुछ ओक की लीव्स को प्लेस कर दूँगा कुछ ऐसे एंड यहाँ पर भी। एंड ये पीछे का एरिया हो चुका है डन। एंड ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, निकाल लेनी है थोड़ी बहुत लैडर। एंड क्योंकि अगर मैं अब इस घर में स्टेयर्स लगा के प्रॉपरली आधी जगह घेरूंगा तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा यू नो कंजस्टेड टाइप हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, अपने घर के कुछ यहाँ पर हमें दो लैडर के सेशन जो है प्लेस कर लेने हैं। एंड ऊपर से हमें दो ब्लॉक तोड़ने हैं। यहाँ पर हमें कुछ लैडर्स को प्लेस कर देना है एंड सेम लाइट हियर एंड राइट हियर ऊपर वाले को तोड़ देना। एंड या
हमारा ऊपर जाने वाला रास्ता भी रेडी हो चुका है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर लेंटर प्लेस कर देना है, यहाँ पर एंड टॉप पर राइट हियर एंड यहाँ पर भी एंड कंप्लीट। ये कंप्लीट हो जाने के बाद जो ये साइड होने लिया, इस साइड पर भी हमें दो दो कंक्रीट की जो है लेयर को प्लेस कर देना है कुछ ऐसे। एंड या गाइस हमारा घर बन के हो चुका कंप्लीट। अगर आपको इसके इंटीरियर का ट्यूटोरियल चाहिए तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।